Boom. सबको एक साथ पूछते हैं, अलग अलग हिस्ट्री करेंगे दो टाइम। ये जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार वोटरों के अधिकार की आवाज़ उठा रही है कि देश की आमदनी में विकास में वोटर का हिस्सा है, केवल नेता का हिस्सा नहीं है। अभी तक जितनी भी पार्टियां थीं वो ये मानती थीं कि देश जो विकास कर रहा है वो सरकारी कर्मचारियों को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए और नेताओं को। ये पार्टी कह रही है कि यह देश वोटरों का है, नेताओं का नहीं। इसलिए अगर देश आगे जा रहा है तो एक एक वोटर की ज़िंदगी में वो दिखना चाहिए, और अगर देश पीछे जा रहा है तो एक एक वोटर पीछे जाना चाहिए। क्या तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 100% हारते हैं, उसमें 99 नहीं है, 99 नहीं, 100% हारते हैं। झूठ बोल के ये लोग सत्ता में आ गए थे, जनता समझ गई है कि झूठ की बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलती। दूसरी बात ये कि अगर ईवीएम का दुरुपयोग होगा जैसा कि पहले हुआ है, अगर ईवीएम के सहारे इलेक्शन जीता जाएगा तो फिर हो सकता भाजपा दोबारा आए, लेकिन अगर ईवीएम से दोबारा भाजपा आती है तो फिर देश में खून खराबा होगा। सरकार को ये कहने के लिए आ रहे हैं कि आप अपनी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना बंद करिए और वोटरशिप चालू करिए। 500 रुपये महीना नहीं, 6000 रुपये देना चाहिए, और केवल गरीबों को, किसानों को नहीं, देश के हर उस आदमी को देना चाहिए जो आदमी देश में इनकम टैक्स नहीं देता। आज रंगिया में कल के कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में सुरक्षा वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग चल रही है। इस सुरक्षा के वॉलंटियर्स यह देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कोई अराजक तत्व, कोई असामाजिक तत्व, कोई ऐसा वारदात न करने पाए जिससे कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को किसी जान माल का नुकसान हो। इसके लिए वो वन डे बिफोर हमेशा ट्रेनिंग होती है। देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने देश की 112 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है जिसमें पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, आसाम के सभी 14 सीटों पर। हालांकि कल हरीश रावत जी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं और दिल्ली से उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को जानकारी मिली होगी कि शायद वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कांग्रेस का नुकसान कर रही है। जो काम पिछली बार अजमल मियां ने किया था आसाम में, वो काम इस बार VPI करने जा रही है। तो कल रावत जी आ रहे हैं, भाई कल बर्थडे का प्रोग्राम है, हम तो चाहते हैं बीजेपी वाले भी आए। हम तो आपके मीडिया के थ्रू कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष आएँ, उनके प्रभारी आएँ, हम तो है अपने प्रफुल्ल महंता जी को कहते हैं वो भी आए। वोटर तो कांग्रेस का भी है, वोटर VPI का भी है, वोटर UDF का भी है, वोटर BJP का भी है। यानी हम वोटर के पेट में पैसा डालने की बात कर रहे हैं, वोटर के स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं। वोटर दूध पिएगा तो बीजेपी वाला भी मोटा होगा, कांग्रेस वाला भी मोटा होगा, तो मेरा विरोध ये लोग क्यों करते हैं? हम तो कल सबको इनवाइट कर रहे हैं कि सारी पार्टियां खत्म कर दो, एक पार्टी हम सब मिला के कंट्री में एक के वोटर पार्टी रहे, ना BJP, ना कांग्रेस, ना फलाने ढेका। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी में भर्ती हो जाओ, हम सब मिल के एक पार्टी बना लें। जब हम वोटर के लिए मर रहे हैं तो हम आपस में लड़ते क्यों हैं? इसका मतलब हमारी नीयत खराब है। हमारी नीयत खराब ना होती तो हम सब एकजुट हो जाते। इसलिए मुझे उम्मीद है अब देश, खास करके आसाम के लोगों के दिमाग खुले रहते हैं, दरवाजे बंद नहीं रहते। इसलिए आसाम के लोग सबसे पहले कोई चीज़ समझते हैं, बाकी लोग बाद में समझते हैं, समझेंगे। आसाम में हमें इस बात की खुशी है कि 2 लाख आदमी 1 लाख आदमी आराम से हमारे कार्यक्रमों में आता है, बात को समझ चुका है। वो BJP छोड़ रहा है, वो कांग्रेस छोड़ रहा है, वो UDF छोड़ रहा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विभाजन था वो खत्म हो रहा है। आसाम में हिंसा खत्म हो रही है। जब से BPI आई, आपने सुना नहीं होगा कोई नरसंहार हुआ, क्योंकि हमारे प्रशिक्षित लोग गांव-गांव पहुंच चुके हैं। वो बता रहे हैं बंदूक समस्या का समाधान नहीं है, और जब तक बंदूक बजेगी आसाम में तब तक यहां का विकास नहीं होगा। यहां मिल नहीं आएंगे, कारखाने नहीं आएंगे, यहां डेवलपमेंट नहीं होगा, यहां यूथ के रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए बंदूक बजनी बंद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस काम में हमें सब लोग सहयोग करेंगे, BJP भी सहयोग करेगी, कांग्रेस भी सहयोग करेगी, और अगला इलेक्शन सब लोग मिल के हम सर्वदलीय क्यों ना लड़े। हम क्यों, जब सब वोटर की भलाई चाहते हैं तो हम अपनी अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं?
ये दुकानें बंद होंगी, जनता जागरूक होगी तो, और मीडिया वाले चाहेंगे तो यह काम जल्दी होगा।